तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल सत्या टेक जोन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दोस्तों PVC आधार कार्ड आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आपके पास आधार कार्ड है, ठीक नॉर्मल आधार कार्ड, तो आप उसको रख करके भी आप PVC आधार कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, वो आपको घर तक पहुँच जाएगा। ठीक, आपको उसमें सिर्फ उसका ₹50 लगता है, उसका जो लाता है उसके लिए। ठीक, वो सभी के लिए ₹50 आपका चार्ज लगता है और ₹50 में वो आपको घर तक पहुंचा देगा। ठीक, डाक से आता है। ठीक, तो आपको कैसे अप्लाई करना है सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। मैं हूं आपका दोस्त तैमूर, आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल सत्या टेक जोन। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप आप मत कीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र हो, ठीक दोस्तों आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र होगा ही, तो आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, दूसरा कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक दोस्तों, ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है UIDAI। ठीक, तो आपको ये आपको सर्च कर देना है। ठीक, तो सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो सबसे पहले आपको UAIDAI लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा। ठीक, यह इसका ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक, तो सबसे पहले इसी पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है गेट आधार। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑर्डर आधार PVC कार्ड यहाँ पे। ठीक, गेट आधार में आपको ऑर्डर आधार PVC कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा, तो आपको कहेगा यहाँ से आपको आधार कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है। ठीक, जो भी आपका 12 डिजिट का आधार नंबर हो, अगर दोस्तों आधार नंबर नहीं आता है, अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी यहाँ पे है, इस पर क्लिक करके आप वर्चुअल आईडी डाल सकते हैं, वह 16 अंक का होता है, उसका ये कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद दोस्तों, अगर आपका फ़ोन रजिस्टर है तो यहाँ पे वो क्लिक नहीं करना है, और रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद आपको सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से, उस पर OTP आएगा। ठीक दोस्तों, OTP आएगा, उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक, यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, बॉक्स पर दोस्तों मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर रहता है तो ये हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक, तो आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। दोस्तों अगर आप सही आप डाल देते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका फ़ोटो आ जाएगा कि आधार कार्ड पर कौन सा फ़ोटो है, नाम सब आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेक पेमेंट, आपको नीचे आना है और यहाँ पे मिल जाएगा आपको मेक पेमेंट, इस पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक, तो दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, UPI या क्रेडिट डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, हम UPI सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हम पेटीएम से कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पेटीएम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें आप जो भी कुछ चलाते यूज करते हैं उसका UPI ID आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आपको जिस भी चीज़ का UPI पता हो, UPI ID, तो उसी पे आपको क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पेटीएम है तो पेटीएम का UPI ID यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक, उसके बाद आपको वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है, वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, अगर ये सही होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन टिक। ठीक, यहाँ पर ग्रीन आ गया, यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपके पेटीएम में जाना है, पेटीएम में आपको जाने के बाद दोस्तों आपको पॉपअप आएगा ऊपर से, यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक,
यहाँ पे आपको कह रहा है कि 5 मिनट के अंदर में आपको पेमेंट अप्रूव करना होगा, ठीक। तो आपको पेटीएम में जाना है, यहाँ पे यूपीआई का पेमेंट होगा 50 रुपया, तो उसको क्या करना है, कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करके दोस्तों पे कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो कोड होता है वो आपको डाल देना है, ठीक। यहाँ से यूपीआई पिन डाल देना है आपको, जो भी पिन आप बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ये दोस्तों यह सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली हो भी चुका है, ठीक। तो आप अपना कैशबैक भी चेक कर लीजिएगा, कैशबैक भी आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे जब आइएगा फिर से इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देख सकते डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि पेमेंट कितना हुआ है, पेमेंट का आईडी क्या है, यू आप हर चीज़ देख सकते हैं, ठीक, ये डाउनलोड करके, ठीक। तो इसी तरह आप अगर चेक करना चाहते हैं तो वहाँ चेक स्टेटस है, उस पर आपको क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, वही आपको डाल देना है, जहाँ पे कोड आएगा। और उसके बाद ओटीपी आप पे आपको सेंड कर देना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देना है। उसके बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड तैयार हुआ है या नहीं, डिलीवरी कब हुआ, सब वहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक। तो इसी तरह आप आधार को आप घर बैठे आप मंगवा सकते, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा और वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।